फिल्म जगत के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार की देर रात तबीयत नासाज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांस में तकलीफ की शिकायत होने की वजह से उन्हें आईसीयू में भी रखा गया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान उनकी पत्नी सायरा बानो भी मौजूद थी। डॉक्टरों ने बताया है कि दिलीप कुमार खतरे से बाहर हैं, लेकिन अगले एक दो दिन उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। बीते कई सालों से दिलीप कुमार बीमार चल रहे हैं। परिवार की माने तो निमोनिया से पीड़ित होने की वजह से दिलीप कुमार को तेज बुखार और उल्टी हुई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सीने में बढ़ते संक्रमण की वजह से ही उन्हें सांस लेने में दिक्कतें आई। 93 साल के हो चुके दिलीप कुमार को फिल्म जगत में उनके सराहनीय योगदान के लिए दादा साहब फाल्के और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। बहरहाल दिलीप कुमार के ठीक होने की खबर सुनकर फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों ने राहत की सांस ली है।